मैदान में कमाल करुछंती सूर्य गंभीर जोड़ी। श्रीलंका विपक्ष तीन मैच विशिष्ट सीरीजर प्रथम एवं द्वितीय मैच पर एवं भारत लक्ष्य अच्छी मिशन किंग्सवे। रविवार खेल जाता श्रीलंका विपक्ष द्वितीय मैच जो दमदार प्रदर्शन कर सात विकेट रे विजय सुनिश्चित कर भारतीय दल। टॉस जीति भारत प्रथम बोलिंग निष्पत्ति नहीं। श्रीलंका निर्धारित ओवर में नौ विकेट रे 161 रन कर पारि। वर्षा प्रभावित मैच रे भारत को आठ ओवर रे 78 रन करिबार थिला, जहाकु सूर्य कुमार को नेतृत्वाधीन भारतीय दल 6.5 ओवर रे 3 विकेट विनिमय रे 81 रन करिथिला। जशस्वी सूर्य एवं हार्दिक खेलिथिले विस्फोरक पाळी। आसंताकाली खेलाजिबो टी20 सीरीजर तृतीय मैच, यहाँ जीति क्लीन स्वीप करने लक्ष्य में रहिबो भारतीय दल। किंतु इस सब भितर सबुठ अधिक चर्चा होउछि दुईटी नाँ को। प्रथम नाँटी सूर्य कुमार यादव और द्वितीय नाँटी होउछि गौतम गंभीर, जे कि पूरा दलर कोच रहा। अधिक आलोचना करवा अधिक आलोचना करने आम सहित श्रीयुक्त निर्मल मिश्र क्रीड़ा समीक्षक जोड़ी होती। श्रीयुक्त मिश्र आपको स्वागत करी। जिते स्ट्राटेजी को लेकिन प्रशंसा कर सूर्य कुमार से गौतम गंभीर आसवा पर दल में गोटे नुआ चमक जो देखा मिलूँ ताकू भी खूब तारीफ कर। देखो सर, दल में बर्तमान व्यापक परिवर्तन होई युव बैटर्स बोलर्स मानक नहीं दल बे संतुलित जना पड़ी एवं मानने दल चमक निश्चित रूपे मानने बढ़ी कहले भूल हेनी। विश्व चंपियन पर खेलुची टीम इंडिया आने प्रथम दुईट मैच रे श्रीलंका को कंप्लीटली आउटप्लेड कर श्रीलंका दल मानने अति निम्न मेन बैटिंग करे भूल हेनी। कहीं ना भल बैटिंग करमर हूँ जहां आशा कर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर यशस्वी जसवाल और गिल मैंने चमत्कार बैटिंग करते जदि गिल हूँ सेकेंड टी20 मैच खेली पार नेक प्रॉब्लम जो तेणुक संजू सैमसन को सुजोग दि जाइए संजू सैमसन से सुजोग सदव्यवहार करते देखा गलत जो तृतीय मानने टी20 खेल हे तृतीय टी20 मानने टीम इंडिया लक्ष्य रख निश्चित व्हाइट वॉश करने तीन शून्य सीरीज जीतवाई आपर जानते क्रमगत भाव छोटी हूँ सीरीज जीती श्रीलंका को सब डोमिनेट कर उभय दल मध्य 31 मैच खेल जाइए भारत 21 मैच विजय होती 9 मैच रु कौन मानने रिजल्ट मिल पारे वाश आउट हो मानने ये जो देखा गले अल्टुगेदर मानने भल बोलिंग अनेक क्रीड़ाविद अनेक वरिष्ठ समीक्षक मान जुक्ति हूँ जे श्रीलंका टीम रो जो तारका बोलर मैंने रहा कथा से अनुपस्थित आम देखा पाऊे कारण से माने आहत समस्या देखी गति करुंचंती अनेक युव तारका श्रीलंका एटी स्कोप देछि। किंतु एटी भारत को भी तो देखा पड़ो जो सीनियर खेलाड़ी मैंने नहांती जो मैंने दुई तारका खेलाड़ी थे से दल में नहांती से सन्यास नहीं सारी टी20 तापर भी युव तारका युव खेलाड़ी मैंने जो मैंने अच्छा से मैंने खेल चमक को बढ़े दौंती विजय भी आणुंच भारत। देखो सर मानने निश्चित रूपे मानने श्रीलंका दल मानने एक बालांस साइड कहले अत्युक्ति हेनी। कहीं जदि दल में सीनियर खेली मैंने नहांती अनुपस्थिति मान देखा आघात जनित समस्या जो कितु युव खेली मैंने मानने भल फर्म अच्छा कि खराब फर्म नहांती। गोटे कथा देखा गले भारतीय बैटर्स मैंने मानने चमत्कार बैटिंग करुंच हार्दिक पांड्या चमत्कार बैटिंग करषभ पंत चमत्कार बैटिंग करशस्वी जसवाल जे कि मैंने दुईट मैच 70 रन संग्रह करपक्ष देखु निशंका तर हूँ 111 रन कर दुईट मैच रु पेरेरा कथा देखा गले पेरेरा हूँ 73 रन कर भल स्टार्ट श्रीलंका को कितु श्रीलंकर गोटे समस्या हूँ मिडिल अर्डर कोलाप्स करुँ प्रथम वनडे कथा देखु टी20 कथा देखु प्रथम टी20 मैंने 140 गोटे विकेट पड़ता और 30 रन में 9 विकेट पड़ा और 170 टीम अल आउट होगा और भारत जिते 200 रन कर श्रीलंका केवे जीति पारे कारण भारत श्रीलंका विपक्ष में 4 200 रन कर अधिक रन कर श्रीलंका जीति पारे से गोटे मिडिल अर्डर खास कर गौतम गंभीर स्ट्राटेजी को लेकिन भी बहुत तारीफ हो काले गौतम गंभीर एक चाहूंटी जे आगे टी20 गोटे श्रेष्ठ प्लेइंग 11 सामना को अणा जाऊ पर विकल्प अणा जाऊ जदि कहा पाखे इंजुरी बा आहत जनित समस्या देखा मिलूँ से ही जगह अन्य क्या विकल्प भाव में खेल जापर। देखो सर मैंने निश्चित रूपे गौतम गंभीर चाहूंटे गोटे टीम व्यापक परिवर्तन हाँपाई एवं परिवर्तन मध्य करुं गोटे गोटे सरप्राइज पिक करुं समस्त सुजोग दौरान युव बैटर्स मान को खेलवाई कहीं ना ऑलरेडी मानने सीरीज जीति सारे टीम इंडिया
ଏବଂ ଏଇଟା କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ବାଇଲେଟରାଲ ସିରିଜ ହେଉଛି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଭାରତର ଜିତିବା। ତେଣୁକରି ମାନେ ଆପଣ ପାଥିରାନା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଥିରାନା ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ କଥା କହିବା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ହେଉଛି ଜାଡେଜାଙ୍କ ବଦଳରେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଏବଂ ବିୟାନ ପରାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ରିଙ୍କୁ ସିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କର ଏ କମ୍ବିନେସନକୁ ଦେଖିକି ଅନେକ ଲୋକ ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ପାର୍ଟ ଟୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପରିପକ୍ୱତାର ସହିତ ଖେଳକୁ ନେଇକି ଶାଣିତ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କମ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ବୋଲିଂ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ୱେରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥକୁ ସେ ଭଲ ରୂପେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ୱିକ୍ନେସ୍କୁ ସେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅତି କୁଲ୍ ଭାବରେ ମାନେ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବ୍ୟାଟିଂ ତ ଅତି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପାୱାର ହିଟିଂର ମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ମାନେ ସେ ଦେଖେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ସ୍ପିନର ମାନେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଜଦୀପ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯାହାଫଳରେ ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଟର୍ସ ଏବଂ ବୋଲର୍ସ ମାନେ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ଖେଳିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜରେ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଫେରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପୁରା ସିରିଜକୁ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଉଭୟଙ୍କ ତରଫରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିର୍ମଳ ମିଶ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ଏଇଟା ଟେଟ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖିବା।